इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का हर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। सबसे पहले सुर्खियां। बेलगाम शहर में सख्त लॉकडाउन के चलते तमाम रास्ते खामोश, अवाम पूरी तरह से घरों में। अब होम आइसोलेशन को किया जाएगा रद्द। बेलगाम शहर में 6000 से भी ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में, कोविड सेंटर पर ही किया जाएगा इलाज। बेलगाम शहर में 12 वार्डों को हॉटस्पॉट में किया गया शामिल, कोविड टास्क फोर्स रखेगी निगरानी। बेलगाम जिला में ब्लैक फंगस के 9 मामले, 2 की मौत। कोल्हापुर में जलजलों के झटकों को महसूस किया गया, सड़कों पर दरारें। आज बेलगाम में फिर 1000 से भी ज्यादा कोरोना मरीज पाए गए, 13 की मौत। और आखिर में एक अहम खबर, प्रधानमंत्री के रोने को लोगों ने किया डिसलाइक। क्या प्रधानमंत्री की साख गिर चुकी है? यहां दूरदर्शन के वीडियो की पोस्ट पर 274 लाइक्स और 1300 डिसलाइक। एबीपी न्यूज पर 2000 लाइक्स, 12000 डिसलाइक्स। इंडिया टुडे पर 36 लाइक्स और 320 डिसलाइक्स। अहम खबरों के बाद अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान आवाम पर सख्त कानून को नाफिज कर घर में बैठने पर मजबूर कर दिया गया, पर कुछ मीडिया इसे आवाम अपनी खुशी से ही घर में बैठ रही है ऐसा साबित करने की कोशिश कर रही है। खैर, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या और बात है? अब तो मास्क नहीं, बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई तो आम बन चुकी है, पर कहीं ना कहीं आवाम डर के मारे घरों में बैठी है। अगर बाहर भी आती है तो कोई मजबूरी होती है, तभी वो बाहर आते हैं। अक्सर आवाम यह सवाल करते हैं, देखा जा रहा है कि आखिर यह लॉकडाउन कब खत्म होगा, आखिर यह कोरोना कब चला जाएगा। शनिचर इतवार को सख्त लॉकडाउन के चलते आवाम घरों में ही बैठी रही। अगर जरूरी काम भी है तो घर में बैठना जरूरी है, घर में रहिए, महफूज रहिए, यानी स्टे होम स्टे सेफ का नारा तो हुकूमत दे ही रही है, पर कितना हर शख्स बेचैन है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। आखिर इंसान की जिंदगी को रोजमर्रा के लिए क्या क्या नहीं लगता, पर बिल्कुल बेबस मजबूर कर दिया गया। खैर, पर कुछ वो ऐसे वाकये भी देखने को मिल रहे हैं जहां आवाम बेखौफ होकर सड़कों पर निकलकर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। वैसे तो इस तरह की वारदातें अक्सर होती है, पर किसी धर्म के जज्बात या आस्था का मौजू की बात आती है तो यहाँ इंतजामिया भी खामोश और माजूर हो जाती है। बेलगाम शहर के करीब मल्टीमठ गाँव में देवी का घोड़ा गांव वालों की जानिब से छोड़ा गया था, पर इस घोड़े की मौत हुई, लिहाजा गांव वालों ने बड़े ही धूमधाम से इस घोड़े का अंतिम संस्कार किया। अब इस वक्त हजारों लोग इस जुलूस में शरीक रहे, किसी तरह का ना तो मास्क था ना सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या इनके लिए क्या कोई कोरोना गाइडलाइन है या नहीं, और इस तरह के मामले भारत में अक्सर देखे जाते हैं। इसी तरह इसी कोरोना दौर में और लॉकडाउन के दरमियान ही कर्नाटक की यादगिरी में देवी की यात्रा के लिए हजारों लोगों ने शिरकत फरमाई। अब मामला आस्था का है तो सभी तरह के खामोश रहते। इसी तरह कुंभ का भी मामला ले सकते हैं। जब ऐसे इजलास सुपर स्प्रेडर का काम अंजाम देने में अहम किरदार निभाते हैं तो इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, समझ में नहीं आता। अगर गरीब महज अपनी रोज रोटी के लिए घर से बाहर निकल जाता है तो पैंडेमिक डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमे दायर किए जाते हैं, गाड़ियां जब्त कर ली जाती है, पर जब आस्था के नाम पर हजारों लोग जमा होते हैं तो इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। भारत में अजूब गरीब मामलात का मरकज भी कहा जाए तो गलत ना होगा। आपको हर मामले में अंधभक्त नजर आएंगे, जब लाला रामदेव को ही देख लो, हमेशा झूठ की आड़ में अपनी दवाइयां फरोख्त करने के काम को अंजाम देता है। खुद तो एलोपैथी दवाइयां खाने की बात सामने आती है, पर अपनी दवाइयां बेचने का वक्त आता है तो दूसरी दवाइयों को गलत साबित करने की कोशिश करता रहता है। वैसे भी जब से मोदी हुकूमत आई है बाबाओं के ही तो अच्छे दिन आए हैं, अब इसलिए लाला रामदेव की मिल्कियत करोड़ों अब्जों में हो गई है। महज हुकूमत की मेहरबानी से अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, और यहाँ गरीब को तो राशन का अनाज भी मैसर नहीं हो रहा। इससे पहले भी लाला रामदेव ने अल्पति इलाज को गलत साबित करने की कोशिश की थी। लाला रामदेव मोदी का हिमायती है, लिहाजा इसी वजह से हुकूमत की पनाह भी से मिलती रहती है, पर पहले से ही खुद मोदी ही कटघरे में खड़े हैं तो क्या मोदी हुकूमत इसकी पुष्ट पनाई कर सकती है, क्या ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा रामदेव पर मुकदमा दायर करने की बात कही। इससे पहले भी डॉक्टरों को अस्पतालों को जान से मारने की जगह बताई थी, और फिर इसने एलोपैथी को गलत साबित किया, जिस पर आईएमए ने कहा है कि या तो आप बाबा रामदेव की बात मान लीजिए, या तो फिर सभी अस्पतालों को बंद करें, या फिर इस पर कार्रवाई करें। अब इस सख्त एतराज पर हुकूमत की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
कोरोना पर भी इसी तरह गलत बात को फैलाकर मुझे WHO ने कोरोनिल को बेचने की इजाजत दी है का फर्जी दावा रामदेव ने किया था, जिस पर भी बड़ी बदनामी मोदी और बाबा रामदेव की हुई थी। खैर, जिस तरह मुल्क में नए नए मामले पेश आ रहे हैं, यहाँ पर फर्जीवाड़ा बड़े पैमाने पर देखा जाता है और अक्सर इसे आस्था से जोड़ने की बात कही जाती है, तभी तो झूठे बाबाओं की दुकानें चमकने लगती है। कोरोना आलमी वबा है और इससे दुनिया परेशान है। दवाइयां वैक्सीन के जरिए किस तरह कोरोना को शिकस्त दी जाती है, इस पर कोशिशें जारी है, पर भारत में इसके लिए भी कोरोना देवी का मंदिर बनाया गया। कहने का मतलब, किस हद तक हम पिछड़े हुए हैं इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मल्टीमट में कोरोना वबा को भगाने के लिए देवी का घोड़ा छोड़ा गया था। घोड़े की मौत के बाद हजारों की भीड़ ने घोड़े का अंतिम संस्कार की। आवाज रहे कि कोरोना मरीजों की तादाद देहात में तेजी से बढ़ रही है, पर यह किसी तरह का डर खौफ आवाम में नहीं देखा जा रहा। वैसे तो हुकूमत की जानिब से मल्टीमट को सील डाउन किया गया है और वहां पर पाबंदियां भी है, पर जब तक ये तमाम नहीं होते तब तक हुकूमत कहां रहती है, कहां रहती है इंतजामिया। कोरोना का असर कुछ कम होता जरूर देखा जा रहा है, पर इसे कामयाबी समझने की गलती ना करें, क्योंकि इससे पहले इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री ने कोरोना पर जीत के दावों की कितनी बड़ी गलती इस देश को चुकानी पड़ चुकी है, सभी देख चुके हैं। प्रधानमंत्री कभी कभार टीवी पर आकर फिल्मी अंदाज में आंखों से आंसू गिराकर चले जाते हैं, पर यह सवाल तो यहां पर भी पूछना लाजिम हो जाता है कि जो हजारों लोगों की मौत हो रही थी, कोरोना मरीजों की तादाद लाखों में बढ़ रही थी, पर आप बंगाल चुनाव में दीदी वो दीदी का नारा बिना मास्क के यही प्रधानमंत्री लगा रहे थे। कहने का मतलब, किस हद तक ड्रामेबाजी इस देश में चलती है यह भी सच है। इस देश में जज्बाती अवाम बड़ी तादाद में है, लिहाजा हजारों लोगों की मौत पर दो चार घड़ियाली आंसू बहाने से गिरती हुई साख को शायद बेहतर ही बनाया जाए। वैसे तो रोने की आदत हमारे प्रधानमंत्री की बहुत पुरानी है, और जब भी आप देखो कि प्रधानमंत्री रोने की शक्ल बनाए तो समझो कि कुछ और अनहोनी होने वाली है। खैर, देश में थाली थाली बजाने वालों की कोई कमी नहीं। आए दिन देश में ऐसी वारदातें होती रहती है जिसकी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं रहता, पर सवाल तो यही है कि क्या आस्था और जज्बात की आड़ में ऐसे तमाशे कब तक चलते रहेंगे, ये आप सभी को सोचना चाहिए। वैक्सीन की परेशानी भी कुछ कम होने का नाम नहीं ले रही। भारत बायोटेक और ICMR की कोवैक्सीन लिए हुए अफरादों को बाहरी मुल्क को जाने की इजाजत नहीं है। यानी क्या यह वैक्सीन को आलमी सतह पर किसी तरह की मंजूरी नहीं मिली थी? आखिर क्या बात है कि भारत की अपनी बनाई हुई वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में नहीं डाला गया? भारत के लाखों लोगों को अब नई मुसीबत का सामना करना पड़ने वाला है। बाहरी देशों को जाने के लिए वैक्सीनेशन की सख्ती की गई है, पर भारत की कोवैक्सीन के टीकाकरण वालों को विदेश में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इससे एक बार फिर भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बाहरी मुल्कों के सफर में कुछ वैक्सीन के नाम दिए गए, अगर इन्हें आपने लगा लिया है तो आपको विदेश जाने की इजाजत दी जाएगी, जैसा कि कोविशील्ड, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका, जॉनसन, सीनोफार्मा, BBIP, पर इसमें भारत की कोवैक्सीन का नाम नहीं है। WHO का कहना है कि कोवैक्सीन की दिगर मालूमात भारत बायोटेक की तरफ से नहीं दी गई है। एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, पर इसके बारे में और भी मालूमात देनी थी जो नहीं दी गई। लिहाजा जिन्होंने भी इसका टीका लगाया है विदेश का सफर नहीं कर सकते। जब तक आलमी सतह पर मंजूरी हासिल नहीं होती इसे काबिल नहीं माना जाएगा। फिर से सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया को वैक्सीन देने की बात प्रधानमंत्री कह रहे थे तो कोवैक्सीन को ही अब तक मंजूरी क्यों नहीं मिली? आखिर मोदी हुकूमत देश को कहां कहां तक ले जाना चाहती है, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कल बरोज शनिचर अलहाज अब्दुल समद खानापुरी साहब का इंतकाल हुआ है। वो 78 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। एक बेलगाम के मशहूर और मारूफ शख्सियत थे। उर्दू के काफ़ी खिदमात उन्होंने की है। वाशिमन हाई स्कूल के उर्दू के प्रिंसिपल थे और राष्ट्रीय सहारा बेंगलोर के नामोनिगार थे। उर्दू की काफ़ी खिदमात उन्होंने की है और एक बड़े मुखलिस इंसान शहर बेलगाम के कल इंतकाल कर गए। उर्दू की काफ़ी खिदमात उन्होंने की है। उर्दू कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलगाम के सेक्रेटरी थे। काफ़ी उर्दू की किताबें उन्होंने लिखी है और हम दुआ करते हैं अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम जिला वक्फ एडवाइजरी कमेटी की तरफ से कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इसी तरीके से उनके इस खानदान में उनके घर वालों को उनके औलाद को सब्र जमीन अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अरशद मोमिन बेलगाम से। कल जनाब अब्दुस समद खानापुरी साहब का
انتقال ہوا 78 سال کی عمر میں. وہ بیلگام کے بہت ہی معروف نگار تھے, سہارا راشٹریہ سہارا کے وہ نامہ نگار تھے, اور ان کے بہت سارے تنصیفات بھی ہے, جس میں بیلگام نامہ بھی تھا جو کہ بہت کافی مشہور ہوا. اللہ کی موت سے بیلگام کے سبھی لوگوں کو بہت صدمہ ہوا, اور میں اسلام ضلع بیلگام کی طرف سے ان کے گھر والوں کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے مقام عطا فرمائے, اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل سنیچر 22 مئی 2021 کا دن ہم اہل بیلگام کے ادب نواز حضرات کے لیے نہایت ہی اندوہناک دن رہا, اس لیے کہ اس دن کی ساعتیں جہاں مولانا مشتاق احمد اشرفی کی والدہ ماجدہ کی رحلت کی خبر لے کر آئیں, وہیں مولانا مشتاق احمد اشرفی کے استاد محترم الحاج عبدالصمد خانہ پوری صاحب کے سانحہ ارتحال کی خبر بھی لیتی آئیں. اللہ مولانا مشتاق احمد اشرفی کی والدہ ماجدہ کو غریق رحمت کرے اور اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, آمین ثم آمین. ناظرین, موت کے بے رحم ہاتھوں نے ایک ایسے شخص کو کل ہم سے چھین لیا جو اپنے آپ میں ایک انجمن تھا, ایک استاد, ایک ماہر تعلیم, ایک محقق, ایک نقاد, ایک صحافی, ایک شاعر, ایک مصنف, ایک مضمون نگار, ایک مفکر, ایک مدبر, ایک صلاح کار, ایک منتظم, اور سب سے بڑھ کر کاروان اردو ادب بیلگام کا سپہ سالار تھا. محترم عین صمد خانہ پوری صاحب کی رحلت سے جو خلا یہاں بنا ہے وہ شاید ہی کبھی پر ہو سکے. آپ مرحوم کی اردو خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا, بدنی طور پر یعنی جسمانی طور پر نہ صحیح, روحانی طور پر وہ ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و اعلیٰ مقام عطا فرمائے.